पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित कैंटीन के पास गोली चलने की सूचना पर अफरा तफरी मच गई। तत्काल विश्वविद्यालय के सभी गेट को बंद कर दिया गया और मौके पर विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर डॉक्टर गोपाल प्रसाद विश्वविद्यालय चौकी के इंचार्ज अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन घटनास्थल पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नहीं मिली तथा किसी भी व्यक्ति ने गोली चलने की घटना की पुष्टि नहीं की। विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्ड के मुताबिक कट्टा से दो गोली चलने की आवाज़ आई थी, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर गोपाल प्रसाद ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व विश्वविद्यालय का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा। ऐसा सिस्टम है कि वो पढ़ पढ़ करेंगे तो और फिर कार्ड कहाँ करे, कितना रखे बताइए, कहाँ कहाँ रखे निकला है गोली असले थे। गोली कट्टा का आवाज था, मैं पहचान लिया गोली का आवाज, कौन कौन कैसे मार रहा है, कट्टा का आवाज था, वो दो गोली फायर हुआ, हम उनको जाने नहीं देते उनको, वो गेटवा पर जबरदस्ती लोग खुलवा दिए लोग। कौन भगा दिया? हमारे यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे, हमने बड़े बड़े अधिकारी लोगों को गेट पर रिक्वेस्ट किया, वो साइड में हो गए हैं, लेकिन ये लोग साइड में नहीं हुए हैं, ये लोग गेट पर संतरी से लड़ाई झगड़ा किए हैं। कितनी संख्या थी उन सबकी? कम से कम 15-20 स्टूडेंट थे, एक दो नहीं थे। अच्छा, बाइक से थे क्या वो? हमने गेट को रोक दिया सर। हाँ। कोई बाहर नहीं जाएगा। जो प्रशासनिक अधिकारी जो थे उनको भी रिक्वेस्ट किया कि आप लोग साइड में हो जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट है हमारा। सब साइड में हो गए, हम यहाँ आ गए, यहाँ पहुँचते ही वहाँ पर वो निकलवा दिए झगड़ा करके। मतलब जैसे फायरिंग करके यहाँ रुके हुए थे कि निकल लिए थे? नहीं, भाग रहे हैं। अरे फायर करके यहाँ मिलते तो हम उनको छोड़ते ही नहीं, हमसे बचते वो, मेरा नामों में पढ़ करके उनको हालत खराब हो जाएगी। 3 बजे अभी हमको मालूम हुआ, अभी मैं खाना खाने घर गया हुआ था, पता चला हमारे सिक्योरिटी ने बताया कि फायर की कैंटीन के सामने जो है आवाज़ सुनाई दी है, तो मौके पर चौकी इंचार्ज भी थे बगल में, आ गए तुरंत जो है, तो अभी हम लोग यहाँ मौके पर देख रहे हैं। वैसे अभी कोई उसका सबूत तो मिला नहीं है, लेकिन कुछ लड़के भी और कुछ लोग बता रहे हैं कि हाँ आवाज़ 2 राउंड हुई है, लेकिन उसका कोई जो होता है साक्षी जो है अभी मिल नहीं रहा है, तो इंस्पेक्टर साहब हैं अभी देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। और आज संविधान दिवस था, आज प्रोग्राम था, दीक्षा भवन में था, फोर्स भी लगी हुई थी, तमाम लोग आ जा रहे थे पढ़ने, इसमें पढ़ाई भी थी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अचानक जो है ये सुनने में आया, इसका हम जांच कर रहे हैं। और शक्ति तो चलती ही रहती है जांच, कई दिन के बाद विश्वविद्यालय खुला था तो इसलिए और आवाजाही बच्चों का था, बच्चे आमे माहौल बने पढ़ने के लिए, पढ़ाई हो, लेकिन इस तरह की गतिविधि कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हम सख्ती करेंगे जो है। ऐसा नहीं लगता माहौल बिगाड़ने का प्रयास? हाँ, ये निश्चित रूप से बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, संजोग से आज बहुत ही पवित्र दिवस था, संविधान दिवस था, इस पर बहुत बड़ा कार्यक्रम था हमारे कैंपस में, माननीय कुलपति जी सवेरे वो बच्चों का जो रैली था उसका, ये कैंपस के अंदर ही था, उसका झंडी दिखाया, सारे डीन अध्यक्ष और सारे शिक्षक बहुत सारे मौजूद थे, और उसके बाद 11 बजे से संवाद भवन में लगभग 3 बजे तक जो है कार्यक्रम चला है, और बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस मनाया गया है। और पढ़ाई लिखाई अब अपने बिल्कुल पीक पर है, 2-4 दिन के बाद 1 तारीख से जो है अभी सेमेस्टर की परीक्षाएं चलने वाली हैं, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, तो इसमें कुछ शरारती तत्व तो हो सकता है कि उनकी मंशा जो है इसको ख़राब करने की भी हो, लेकिन उनको सफल नहीं होने दिया जाएगा।